सेक्टर 12 में नोएडा लोकमंच द्वारा निशुल्क दवा बैंक का कार्य शुभारंभ किया गया है। यह एक प्रयास है जिसके माध्यम से जो भी नीडी लोग हैं उनको फ्री में मेडिकल सुविधा, मेडिकल दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के साथ कोई भी व्यक्ति वर्किंग आवर्स में यहाँ पे आ सकता है। लोकमंच के द्वारा यहाँ पे प्रॉपर फार्मासिस्ट की, डॉक्टर्स की टीम रखी गई है और मेडिसिन को स्टॉक करने का उनकी सुपरविजन के लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर भी लगाया गया है। तो ये एक अच्छा प्रयास है नोएडा अथॉरिटी द्वारा, इसको आगे बढ़ाते हुए जो ये कम्युनिटी सेंटर का स्पेस है लोकमंच को उपलब्ध कराया गया है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में ये एक पहल है जिसके माध्यम से जो भी शहर के ऐसे लोग हैं जिनको दवाओं की आवश्यकता है और जो उसके लिए संसाधन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उनको निशुल्क सुविधा इसके माध्यम से दी जाएगी। महंगी दवाइयों की मार बहुत हो गई। एक समय हुआ करता था जब दवाइयाँ हद से ज़्यादा महंगी हो गई थी, लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो गया था, मगर आज नोएडा सेक्टर 12 में सामुदायिक केंद्र में एक मिशन की शुरुआत की गई है। ये मिशन लोक मंच की ओर से शुरू किया गया है जिसको पूर्ण समर्थन मिला है नोएडा अथॉरिटी की ओर से। आज इसका कार्यक्रम था, शुरुआत की गई है एक मिशन की जिसके तहत करीब 20 लाख रुपए की दवाएं लोगों ने स्वेच्छा से दान की हैं। तो इसके तहत मद्देनज़र ये है कि दवाइयां जो हैं वो मुफ्त में ज़रूरतमंदों को बांटी जाएंगी। करीब 40 जगहों पे ये बैंक स्टैब्लिश किए गए हैं जहाँ से दवाइयाँ, जिनको भी बेफालतू की दवाइयाँ हैं वो दान कर सकते हैं और उन दवाइयों को ये इकट्ठा करके ज़रूरतमंदों को वितरित करेंगे। मगर दवाइयाँ जो एक्सपायर्ड नहीं हैं उन्हीं दवाइयों को ये रखेंगे और उन्हीं दवाइयों को आगे ये वितरित करेंगे। तो ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी कई सारी दवाइयाँ यहाँ रखी हुई हैं। ये इनका ऑफिस है नोएडा सेक्टर 12 में सामुदायिक केंद्र अथॉरिटी की ओर से ये इन्हें दिया गया है, आपको हम दिखा रहे थे। बाकी बातचीत भी करेंगे लोक मंच के अध्यक्ष से, आपको दिखाएंगे। मेरा नाम महेश सक्सेना है और नोएडा लोकमंच का महासचिव हूँ मैं। आज से 4 साल पहले बॉम्बे में एक निःशुल्क दवाइयों का मूवमेंट चला, वो संस्था काम कर रही है और 2014 से लेकर के अब तक उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर दे रहे हैं। असल में ये महानगरों में इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ जितने लोग संपन्न होते हैं उसके साथ वर्किंग क्लास, उनका सर्विस प्रोवाइडर भी लगभग, अगर वो 60% है तो 40% इस तरह के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों का ख्याल करा गया। कोरोना में ख़ास तौर से हम लोगों ने महसूस किया कि बहुत सारे लोग हैं जो दवा नहीं खरीद सकते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ खरीदते हैं और आदमी का जब ठीक होता है तो बहुत सारी दवाइयाँ उसकी बच जाती हैं। इसके लिए लोकमंच ने सोचा कि हमें उस ग्रुप से जिसके पास सरप्लस दवाइयाँ हैं उससे कलेक्ट करनी है और उन लोगों तक पहुँचानी है जो इनको नहीं खरीद सकते हैं। इस सोच के साथ ही काम शुरू किया।